मैं सोनाली आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं अभिनंदन करती हूं हमारे खास कार्यक्रम खुला आकाश में दोस्तों कुटीर उद्योग के अंतर्गत आने वाले कई सारे व्यवसायों में एक व्यवसाय है डेयरी व्यवसाय तो चलिए आज हम विस्तार से जानेंगे कि डेयरी व्यवसाय की शुरुआत कैसे करें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा इससे कैसे कमाए इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो इससे कैसे जुड़े और खास तौर पे उनकी भूमिका और उनका रोल क्या है डेयरी व्यवसाय में जैसे तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा होगी बातचीत होगी और बातचीत के लिए स्टूडियो में हमने बहुत ही खास मेहमान को आमंत्रित किया है सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराएं हमारे साथ हैं विनायक त्रिपाठी आप डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ डेयरी कंसल्टेंट भी हैं बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में सर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप चूँकि डेयरी कंसल्टेंट हैं साथ ही साथ टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो थोड़ा अपने कार्य क्षेत्र के बारे में अपने कार्य के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं देखिए डेयरी टेक्नोलॉजी वहाँ शुरुआत होती है जहाँ पे आपका दूध जो है वो डेयरी प्लेटफॉर्म पे आ जाता है तो वहाँ से हमारी काम की शुरुआत होती है कि मिल्क वेइंग हो जाता है फिर उसके बाद पाश्चराइजेशन होता है देन आफ्टर होमोजनाइजेशन होता है फिर उसके बाद बाई प्रोडक्ट्स भी हम बनाते हैं बहुत सारे और इसी तरीके से डेरी चलती है डेरी की डेरी का व्यवसाय चलता है, जी, है जी। एक हमारा मार्केटिंग विंग है और एक हमारा प्रोडक्शन विंग है तो प्रोडक्शन विंग का तो काम प्रिक्योरमेंट विंग का काम होता है कि दूध को इकट्ठा करना प्रोडक्शन विंग का काम होता है कि दूध को बनाना जैसे आप डीटीएम जानती हैं टी जानती हैं एस स्टैंडर्ड मिल जानती हैं फुल क्रीम मिल जानती हैं घी बन, घी जानती हैं बटर जानती हैं खोआ जानती हैं पनीर जानती हैं ये हम लोग वहां बनाते हैं उसके बाद ये मार्केटिंग होता है तब ये आपके पास पहुँचता है ये डायरेक्ट विलेज टू कस्टमर्स एक चेन है विलेज टू प्लांट प्लांट टू कस्टमर्स जी जाहिर तौर पे एक लंबे प्रोसेस के बाद दूध हमारे घर तक पहुंचता है या दूध से संबंधित जो भी पदार्थ काम यूज करते हैं वो हमारे घर तक पहुंचता है सर इसमें महिलाओं की भूमिका के बारे में बताएं उनका रोल क्या है इसमें महिलाओं की भूमिका ये होती है हमने कुछ पहले तो महिलाओं की भूमिका इसमें ना के बराबर थी लेकिन अब महिलाएं बहुत सशक्त हो रही हैं और सशक्तिकरण के इस दौर में उनको भी वो भी सशक्त हैं कई महिलाएं तो आपका मिल्क रूट तक वो हैंडल कर रही हैं और दूध को इकट्ठा कर रही हैं प्लांट तक पहुंचवा रही हैं और स्वच्छ दूध उत्पादन पर उनका बहुत ज्यादा दौर है जो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं उस पर बहुत ज्यादा जोर है जी। और महिलाओं में एक बीच एक बहुत अच्छी चीज है कि बहुत ही डिटर्मिनेशन से वो एक किसी भी कार्य को वो करती हैं जो शायद पुरुष आज के समय में उतना प्रभावी नहीं है जितनी एक महिला को मैं प्रभावी आज के डेट में मैं देखता हूँ जी जाहिर तौर पे अगर किसी भी कार्य को पूरे डेडिकेशन के साथ हम करें तो हमें सफलता तो मिलती ही है से सर बता रहे हैं कि महिलाओं का जो अगर उनके बारे में बात करें तो उनका डेडिकेशन पूरी तरह से होता है हाँ। उनके कार्यो को लेकर सर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हमारे देश में डेयरी व्यवसाय की स्थिति आप क्या देख रहे हैं देखिए डेयरी व्यवसाय में भारत इस समय नंबर वन पे है और लेकिन वो दूध उत्पादन कर रहा है लेकिन दूध को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है एक्सपोर्ट के मामले में इस समय नंबर वन पे न्यूजीलैंड है हमें चाहिए कि हम जितना से दूध ज़्यादा से ज़्यादा दूध को मिल्क और मिल्क के बाय प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करेंगे उतने ही हमारे देश की आमदनी बढ़ेगी बढ़ेगी और हमारा रेवेन्यू आएगा जो इतफाक मतलब किसी ना किसी वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं वो हमें करना पड़ेगा तो और जहाँ तक बिहार की स्थिति है तो बिहार की स्थिति आज से तीन साल पहले बिहार मिल्क प्रोडक्शन में नंबर वन पे नंबर टू पे चल रहा था और आज के डेट में वो दसवें ग्यारहवें नंबर पे आ गया है जी। ये जरूर है कि कुछ व्यवधान बीच में आए हैं जैसे लॉकडाउन हो गया प्राकृतिक आपदा हो गई बाढ़ हो गया लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश इस समय नंबर वन पे चल रहा है और नंबर दो पे आपका राजस्थान इस समय आ गया है मतलब ये मिल्क प्रोडक्शन में सब बहुत अच्छे अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन बिहार में लोगों को जोर देना पड़ेगा पशुधन बढ़ाने में और पशुओं की कैसे अच्छे से अच्छी देखरेख करें उसका उसको हरा ग्रीन फोडर उसको खिलाएं जिससे कि हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़े और हम भी जो जिस स्थिति में तीन साल पहले थे उस स्थिति में आए ज़्यादा तौर पे प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है और अपनी स्थिति को और मजबूत करने की जरूरत है सर आपसे साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि यदि कोई महिला डेयरी व्यवसाय की शुरुआत करना चाहती है क्योंकि हम अभी अगर मैं किसी अगर चाहूँगी डेयरी व्यवसाय की शुरुआत करना तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता है तो वो क्या प्रक्रिया हो सकती है जिससे कोई एक महिला डेयरी व्यवसाय की शुरुआत कर सके देखिए इस समय बहुत सरकारें मैं नाम नहीं लूँगा वो बहुत तरीके की योजनाएँ चला रही हैं और इसमें एम का सपोर्ट है स्किल्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास भी, भी इसमें कुछ ना कुछ मदद करता है सेंट्रल बैंक की एक योजना है सेंट कल्याणी योजना उसमें आपको ब्याज भी बहुत कम देना है 7.40 परसेंट ये तो हो गई आपको कैसे आप शुरुआत पैसे का आपको कैसे आपको इंतजाम होगा प्लस नेशनल इंटरप्रियर ग्रुप बैंक बना हुआ है जो कि आप देखेंगे कि Uh, सात लाख दस गाय दस भैंस खरीदने के लिए सात लाख रुपए तक का ऋण देता है जिससे कि आप अपना एक गौशाला बना सकती हैं गौशाले से ही आप आपकी शुरुआत वहीं से होनी है गांव से ही आपकी शुरुआत होनी है जी। और गौशाला बना के आप उसको कैसे अपना मिल प्रोडक्शन आप बढ़ाएं और इस पर बहुत जोर देना बहुत जरूरी है कि आपका पशु स्वस्थ रहे अच्छा आहार खाए अच्छा मिल्क प्रोडक्शन दे उसको आप डेयरी तक दूध दीजिए दूध देने का बहुत अच्छा जरिया है बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि दूध लेती हैं चाहे वो जिस आप देश के किसी भी कॉर्नर को उठा लीजिए ये हमारा चेन है कि दूध तो, मिल्क तो आपका विलेज से ही आएगा जी। मिल्क आपका शहर में नहीं है विलेज से ही मिल्क आता है और शहर में उसका कंजम्पशन होता है जी सर इसके अलावा एक जानकारी आपसे ये भी लेना चाहूंगी कि जो डेयरी व्यवसाय है वो कितना खर्चीला है कितना अगर हम डेयरी व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो खर्च कितना आ सकता है साथ ही साथ मुनाफा बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी व्यवसाय की अगर हम शुरुआत करते हैं तो उससे जुड़े खर्च के साथ साथ हमें मुनाफे पर भी ध्यान देना पड़ता है तो थोड़ा इसकी जानकारी दें देखिए डेयरी व्यवसाय तो खर्चीला है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से सही दिशा में आप उसको चला रही हैं मैं आपको एक नाम तो नहीं लूँगा मध्य प्रदेश में एक महिला प्रोड्यूसर्स कंपनी है वो आज से चार महीना पहले चार साल पहले उसने शुरुआत की थी तीन साल वो बहुत भारे, भारी घाटे में रही और चौथे साल से उसमें मुनाफा आना शुरू हुआ ये मध्य प्रदेश की बात मैं आपको बता रहा हूँ और इसी तरीके से क्या होता है कि इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत है ऐसा नहीं।, नहीं है कि आपने आज जैसे आप एक पौधा लगाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो दूसरे दिन से फल देना शुरू कर देता है यू हैव टू वेट फॉर दैट तो इसी तरीके से डेयरी व्यवसाय या कोई भी व्यवसाय आप उठा लीजिए उसमें बहुत ही पेशेंस धैर्य के रखने की जरूरत है और एक आ, मेहनत के साथ कार्य करने की जरूरत है फल आपको अपने आप मिलना लगेगा कुछ समय जरूर लगेगा लेकिन फल मिलता है मतलब खर्चीला है ये अगर हम शुरुआत करना चाहे तो कितने पशुओं के साथ इस व्यवसाय की शुरुआत की 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 है देखिए तक पशु 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 बात बात तो आप पांच पशुँ, अगर पशुँ की बात कर रही हैं प्लांट की बात नहीं कर रही हैं अगर पशु की बात कर रही हैं तो आप पांच पशु के साथ भी शुरुआत कीजिए दस पशु के साथ भी शुरुआत कीजिए पंद्रह पशु के साथ भी शुरुआत कीजिए ये सरकार की कई योजनाए हैं वो समय 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 पर अगवा में प्रकाशित होता रहता है कि आप इतने गाय की योजना ले लीजिए इतने गाय की योजना ले लीजिए लोगों को लाभान्वित करती है यहाँ तक कि शेड भी बना के देती है हुँ। सरकार हुँ। लेकिन उसके बाद कार्य तो आपको खुद करना रहा है कार्य तो आपको स्वयं करना है और उसको आगे बढ़ाना है सर प्लांट का जिक्र आपने किया तो प्लांट के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को दी यदि कोई प्लांट अपना लगाना चाह रहा है तो वो किस तरह से शुरुआत करें देखिए प्लांट एक छोटे स्तर से भी लग सकता है एक बड़े स्तर से भी लग सकता है मैं एक कुछ समय पहले एक प्लांट से जुड़ा हुआ था जो कि 1000 लीटर कैपेसिटी का प्लांट था ये लेकिन धीरे धीरे करके वो भी दो महीने दो साल के बाद वो भी ब्रेक इवन पॉइंट पे आया तो प्लांट भी आप दस एक हजार लीटर का भी प्लांट आप लगा रहे हैं तो आपको कम से कम एक से डेढ़ करोड़ रुपए की खर, का खर्च होगा हो ही होगा इसमें कोई म, मतलब संशय नहीं है जी। और जहाँ तक आप उसको बढ़ाइए बढ़ाना चाहिए मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पाँच हज़ार लीटर का प्लांट लगा रहे हैं तो वो सही है क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे आप आपका कैपेसिटी बढ़ जाता है आपको दूध रखने की क्षमता हो जाती है एक हज़ार लीटर में बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है तो हम कुछ पैसे बचाने के लिए अगर एक हज़ार लीटर छोड़ के पाँच हज़ार लीटर पर आएँ तो ज़्यादा मुनाफा उससे होगा जी सर से आप बता रहे हैं कि अगर हम प्लांट से शुरुआत करते हैं तो एक से डेढ़ करोड़ आ, का वहाँ पे पूंजी हमें लगाना होगा लेकिन अगर आ, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पूंजी की कमी है लागत वो ज़्यादा नहीं लगा पा रहा है वो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करना चाहता है आपने बताया कि पाँच गाय के साथ भी स्टार्ट किया जा सकता है तो सर ऐसे में पशुओं का चुनाव कैसे किया जाए क्या गाय जो है उसको ख़रीदना ज़्यादा मुनाफा देगा या फिर भैंस का देखिए जहाँ तक गाय का दूध है लोग गाय पे गाय का दूध बहुत जोर देते हैं आप ये मेरे ख्याल से आज के डेट में लोग गाय का घी बहुत पसंद करते हैं और गाय के घी का मार्केट भी इस समय इंडिया वाइड या सिंगापुर का मार्केट है वहाँ पे गाय का घी जा रहा है मैं संस्था का नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि सिंगापुर भी मार्केट कर रही हैं कनाडा भी मार्केट कर रही हैं और गाय का घी एक ऐसा घी है जो कि आपके शरीर को स्वस्थ रखता है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है आपके शरीर को शरीर का मतलब बहुत ध्यान रखता है जो गाय का दूध है और गाय का घी है जो भैंस का है भैंस का इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि भैंस का फैट ज़्यादा होता है फैट कंटेंट ज़्यादा है जी। तो भैंस के दूध का पनीर बना लीजिए भैंस के दूध का लेकिन हम लोग डेयरी में एक्चुअली करते क्या हैं कि हम मिक्स मिल्क का इस्तेमाल करते हैं हम गाय और भैंस का अलग अलग ऐसा कुछ नहीं करते हैं जी। क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप गाय का अलग कर लीजिए और भैंस का अलग कर लीजिए ऐसा कोई सिस्टम डेयरी में कि किसी भी डेयरी में नहीं है तो आपको मिक्स मिल्क पे आना पड़ता है मिक्स मिल्क पे ही आप उसको आपका एवरेज फैट परसेंटेज भी बढ़ जाता है और आप बाय प्रोडक्ट्स में भी चले जाते हैं और जहां तक सिर्फ गाय की बात है तो आप देखेंगी महाराष्ट्र में गाय की तादाद बहुत ज्यादा है और झारखंड में गाय की तादाद बहुत ज्यादा है मैंने दोनों जगह पे काम किया हुआ है तो वहाँ पे गाय का दूध ज्यादा मिलता है वनस्पत की भैंस के हैं लेकिन बिहार में भैंस का दूध ही ज्यादा है गाय का कम है जी तो कुल कहें कि चूंकि गाय के बने जो उत्पाद होते हैं वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हाँ। होते हैं तो कहीं ना कहीं गाय का चुनाव करना पशु के रूप में मुझे लगता है ज्यादा लाभदायक होगा लाभदायक होगा लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ गाय का दूध ही आप मिक्स, मिक्स दूध दूध लेकिन गाय का ज्यादा कर लीजिए जी सर थोड़ा डेयरी व्यवसायों के बारे में हम बात करते हैं कि जो डेयरी व्यवसाय है उनके लिए बाजार किस तरह से उपलब्ध है देखिए बाजार तो खुला हुआ बाजार है आप देखिए कि मैं इलाहा इलाहाबाद का एक जिक्र करना चाहूँगा कि मैं एक जर्नी पे जा रहा था तो मैंने देखा कि किनारे में लोगों ने छोटे छोटे डेरी डेरी का नाम ऐसे ही था मतलब समझिए कि वो एक ग्वाले का ग्वाले की दुकान थी जी। तो उसके पास पनीर भी उपलब्ध था घी भी उपलब्ध था यहाँ तक कि वो मटर भी रखा हुआ था और मतलब ऐसी दूध भी रखा हुआ था तो आप कह सकते हैं कि बाज़ार खुला हुआ है बाज़ार खुला इन सेंस ये है कि हर जगह मार्केट है ख़रीदने वाले लोग हैं लोगों को बाय प्रोडक्ट्स चाहिए पनीर भी चाहिए घी भी चाहिए खोआ भी चाहिए, आ, खुआ भी चाहिए आ, दूध भी चाहिए तो बाजार तो खुला हुआ है जी कुल मिला के कहें कि थोड़ी समझदारी और थोड़ी सूझबूझ के साथ यदि डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की जाए तो जाहिर तौर पे हमें मुनाफा जरूर मिलेगा क्योंकि जो डेरी के प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी डिमांड हर घर में होती है हर कोई पनीर हो घी हो इन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करता है दूध एक ऐसी चीज़ है जिसकी जिसकी आ... आप कह सकती हैं कि जरूरत हर घर को है बिल्कुल चाहे वो छोटा सा बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा आदमी हो दूध सबको चाहिए और इसीलिए हमारा इंडिया का पर कैपिटा भी बढ़ा हुआ है दूध के मामले में और दूध यहाँ पे खपत भी हो जा रहा है इसीलिए हम लोग शायद एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं नहीं तो जो हमारा हमने आपको बताया जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम हमीर प्रोडक्शन में, में नंबर वन है लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं हम एक्सपोर्ट में नंबर वन नहीं है जी। एक्सपोर्ट में आपको बताया न्यूजीलैंड नंबर वन पर है तो यहाँ पे जरूरत हम लोग का जनसंख्या भी ज्यादा है तो ये भी कारण है कि दूध की जरूरत हर घर को है और हर घर दूध की खपत है पनीर की खपत है घी की खपत है ऐसी ऐसा कोई पदा, ऐसा कोई कोई चाहे आप लस्सी ले लीजिए ले लीजिए हर घर में आपको कुछ 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 ना कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा हुँ, हुँ, हुँ। हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद है और, फायदे और फायदे पे है। हम सब के लिए वो बहुत जरूरी है सर इसके अलावा एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है अक्सर हम सुनते हैं कि गाय को इंजेक्शन देके दूध लाया दूध की जो बढ़ोतरी की जा रही है तो इसके बारे में जानकारी दे क्या वाकई इंजेक्शन देने के बाद दूध में बढ़ोतरी होती है या फिर ये हमारे शरीर के लिए कितना नुकसान देखिए एक इंजेक्शन आता है ऑक्सीटोक्सीन वो ग्वाले आजकल आमतौर पर प्रैक्टिस में ले आए हैं कि अगर वो बीमार गाय है या बच्चा जन्ने वाली गाय है उसको भी इंजेक्शन लगा बगा के वो दूध निकाल लेते हैं लेकिन वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है हमारे आंत के लिए अच्छा नहीं है और आँख ही हमारा एक ऐसा चीज़ है जिससे हमारा शरीर मजबूत होता है तो मैं तो अपने ग्वाले भाइयों को भी निवेदन करूंगा कि वो इस तरीके के इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करें और लोगों को भी सचेत करूंगा कि वो इस तरीके के लेकिन अब यही परेशानी है कि लोगों को कैसे पता लगेगा कि वो इंजेक्शन लगा, लगाया हुआ दूध है कि नहीं है जाहिर तौर पे लोग अनजान हैं क्योंकि लोग अनजान हैं अब किसी के पास आ, सब लोगों ने अपने घर में लेबोरेटरी तो बना नहीं रखी हुई है कि वो इन, पता लगा लें कि इसमें ऑक्सीटॉक्सिन है कि नहीं है ये तो आपके लिए सर्टिफाइड आपको डेयरी में जाना पड़ेगा कि बताइए हमारा दूध सही है कि नहीं इसीलिए मैं तो लोगों से यही निवेदन करूंगा कि वो पास्चुराइज दूध ही इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें पास्चुराइज हो गया होमोजोनाइज हो गया तो आपके एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 99.9 नाइन परसेंट पैथज मर जाते हैं तो वो पैकेट का दूध ज्यादा फायदेमंद है बनस्पत आप खुला दूध जो बाजार में ले रहे हैं लेकिन लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है वो एक अगर कोई चालीस रुपए लीटर दूध दे रहा है तो वो कहेंगे कि नहीं हम चालीस रुपए लीटर दूध लेंगे वो ये नहीं कहेंगे कि हम पचास रुपए लीटर दूध लेंगे आजकल एक और नया प्रचलन आया है आप देखेंगे कि एक ए और ए मिल्क मार्केट में आ गया है जी। वो शीशे बंद बोतलों में आता है वो कुछ महंगा ज़रूर होता है पर वो बहुत ही शुद्ध दूध है क्योंकि वो डायरेक्ट थन से लिया हुआ दूध है और बहुत अच्छा अच्छा वो कुछ भी मिलावट नहीं है ऐसा दावा भी वो लोग करते हैं और ये ये सही भी है लेकिन लोग यही महंगे और सस्ते के चक्कर में नहीं लेते हैं और वो एक कहावत भूल जाते हैं कि महंगा रोए बार बार महंगा एक, एक बार बार सस्ता हुए, बार सस्ता <laughs> जी ज़रूर ज़रूर तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हैं और जिस तरह से सर ने बहुत ही बारीकी से एक एक बात को बताया कि किस तरह से आप जो डायरेक्ट दूध लेते हैं वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है लेकिन जो पैकेट के दूध का हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़ाहिर तौर पे हम सबके शरीर के लिए भी काफी अच्छा हो सकता है सर इसके अलावा आपसे ये जानना चाहूंगी कि यदि किसी ने डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की है तो उसे जानकारी नहीं है कि पशुओं को वो किस तरह का चारा दे तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे कि पशुओं को किस तरह का चारा दे आजकल हरा चारा मक्का मक्का हो गया आपका जो भी आपको हरा मतलब प्रोटीन युक्त प्रोटीन जो भी चीजें हैं वो चोकर हमें... युक्त आहार यही पशुओं के लिए बेहतर है जी। और वही देना भी चाहिए और लोग देते भी हैं कई लोग देते हैं मैं कई बार मैं गांव के दौरे पर रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि कई लोग इसको जिम्मेदारी पूर्वक निभाते भी हैं कई लोग इसको नहीं भी निभाते हैं और उनको खनिज लवण जरूर देना चाहिए खनिज लवण आप नहीं भी दे रहे हैं तो कम से कम आप उनके भूसे में जो भी गाय का भूसा है आपको सस्ता लगता है ठीक है कोई बात नहीं है आप उसमें छेना फाड़ के उसका छेने का पानी आप उसमें मिला दीजिए गाय को उसका एस एन एफ मिल जाएगा लेकिन अब यही है कि लोगों में अवेयरनेस ही कमी है लोग अवेयर होना नहीं चाहते हैं अब अगर अवेयरनेस ही आ जाएगा तो हम मतलब हमें उन्हें सचेत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अवेयरनेस बहुत जरूरी पार्ट है सर आप हमारे कार्यक्रम के ज़रिए जिस तरीके से जो किसान भाई हैं या जो डेयरी व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता है खासकर पशुओं के चारे के बारे में जिस तरह से बड़ी बारीकी से बता रहे हैं सर कि किस तरीके से पनीर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो पानी है उसे आप भूसे में मिला के दे वो आपके गाय के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो ज़ाहिर तौर पर मुनाफा हमें ज़रूर होगा सर इसके अलावा आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से शुरुआत में आपने बताया कि बिहार में महिलाओं की संख्या इस क्षेत्र में कम है डेयरी व्यवसाय में बण राजस्थान की हम बात करें किस तरह से और बिहार में महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जा सकता है महिलाओं को ज्यादा इन्वॉल्व कैसे किया जाए राजस्थान सरकार ने महिला बूथ प्रोग्राम योजना एक नया बनाया है उसमें उन्होंने महिला को सशक्त करने के लिए सर महिलाओं को सशक्त करने के लिए 5000 महिला बूथ का उन्होंने निर्माण कार्य कराया है जिसका निर्माण कार्य भी महिलाएं करेंगी बूथ भी महिलाएं चलाएंगी जी। और उसका जो मुनाफा होगा वो भी महिलाएं रखेंगी तो ऐसा अगर हर जगह हो जाए तो एक ये बहुत बड़ी क्रांति होगी और ये क्रांति हो रही है इस, क्रा, इस क्रांति की शुरुआत हो चुकी है लेकिन ये आ, देश में ये नहीं हो पा रहा है खाली एक सरकार या दो सरकार के लागू कर देने से ये पूरे देश में लागू नहीं हो पा रहा है इसको पूरे देश में लागू करना होगा अब तो महिलाओं को ऐसे भी आप देखिए कि हर जगह आरक्षण है आपको देखिए सब्सिडी में आरक्षण है अगर जनरल को पुरुषों को तैतीस पच्चीस परसेंट का आरक्षण है तो महिलाओं को तैंतीस परसेंट सब्सिडी दी जाती है और वो सीधा उनके खाते में जाती है आपके हाथ में नहीं जाती है आपके खाते में जाती है और तो उनको इसका लाभ उठाना चाहिए महिलाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए और अगर यहां पर भी उस तरीके से बूथ की शुरुआत हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा आजकल तो MSC में आपको सेवन पॉइंट फोर जीरो परसेंट पे लोन दे रहा है आपको मैंने अभी जिक्र किया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट कल्याण कल योजना के थ्रू लोन दे रहा है जी। तो ये उनको समझाना पड़ेगा उनको बैठना पड़ेगा समझना पड़ेगा तौर पे थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है अवेयरनेस की जरूरत है समझने की जरूरत है कि कहाँ से हमें किस तरीके से अपने व्यवसाय की शुरुआत करें और ज्यादा ज्यादा महिलाएं किस तरह से जुड़े इस व्यवसाय के साथ सर कुछ प्रोडक्शन पार्ट के बारे में और जिक्र मैं आपसे चाहूंगी कि थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्शन के बारे में थोड़ी विस्तार से और जानकारी दे और खासतौर पर जिस तरह से शुरुआत में भी बात की हमने टोंड मिल्क के बारे में आपने बताया फुल क्रीम मिल्क के बारे में इसके डिफ्रेंस के बारे में कुछ बताएं देखिए जो आपका टोन्ड मिल्क है वो तीन परसेंट फैट का होता है ये आपके शरीर को बहुत स्वस्थ रखता है और ये मलाई नहीं होमोजोनाइज मिल्क जो भी हो गया जो जिसमें होमोजोनाइजेशन शब्द इस्तेमाल हो गया वो मलाई को पढ़ने नहीं देता है वो आपके शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है लेकिन लोग तौर पे क्या करते हैं कि उनको दूध के ऊपर मलाई चाहिए <laughs> वो समहाउ वो पार्ट अच्छा नहीं है मलाई पड़ जाना मलाई वाला दूध अवॉइड भी करना चाहिए क्योंकि आजकल शुद्धता हमारे यहाँ नहीं है आप देखिए कि हम लोग प्योरिटी हम लोग को प्योर कहाँ मिल रही है कोई भी चीज़ हम लोग को प्योर मिल नहीं रही है तो इसलिए हैवी फैट फैट को अवॉइड करना जाना चाहिए अब तीन परसेंट का फ़ैट का दूध है आपका टूड मिल्क डबल टूड आपका डेढ़ परसेंट फैट का होता है आपका स्टैंडर्ड मिल्क साढ़े चार परसेंट फैट का होता है आपका फुल फैट मिल्क जो है वो छः से साढ़े छः परसेंट का होता है ये अकॉर्डिंग टू डेयरी कंपनीज है कि हम छः परसेंट का रखेंगे साढ़े छः परसेंट का रखेंगे लेकिन मैं तो यही निवेदन करूँगा कि फुल क्रीम मिल्क को आप अवॉइड कीजिए और आप स्टैंडर्ड बहुत आपको अगर बनाई खाने का शौक है तो आप स्टैंडर्ड दूध इस्तेमाल कीजिए और नहीं तो आप टोंडी मिल्क इस्तेमाल कीजिए टोंड के नाम से भी आता है एक डबल टोन है वो हेल्दी के नाम से आता है इसीलिए उसका नाम हेल्दी रखा गया है क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस को हेल्थ कॉन्शियस है जी मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए जाहिर तौर पर जो टोंड मिल्क है, है वो ज्यादा अच्छा है फुल क्रीम जो मिल्क होता है उसमें कहीं ना कहीं जो मलाई की परत होती है वो ज्यादा होती है तो वो हमारे शरीर के लिए, लिए अच्छा कुछ नुकसानदायक हो सकता है सर आपसे कहना चाहूंगी कि आप जो हमारे जो दर्शक हैं जो चाहते हैं डेयरी व्यवसाय की शुरुआत करना उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से ताकि उन्हें मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो देखिए आप एक कुछ नहीं आप एक किसी भी संस्था से जुड़ जाइए और आपको मैंने बताया कि सब्सिडीज़ हर जगह अवेलेबल हैं सब्सिडी का लाभ लीजिए और चाहे वो जो भी है हर जगह हर सरकार का कुछ ना कुछ सब्सिडी कार्यक्रम चलता ही है और आप ये वो आपको कैन भी देता है सोसाइटीज़ बनाता है अपनी सोसाइटी के रूप में आपको वो नॉमिनेट नौम, करता है आपको कैन भी देता है आपको लैब बनाने के लिए सेंट्रफ्यूगल मशीन देता है उसके बदले में कुछ डिपॉजिट भी रखवाता है आखिर कुछ पाने के लिए कुछ तो होना ही पड़ता है खोना नहीं यहाँ खोना नहीं है <laughs> मुनाफे के लिए कुछ पाना आपको देना है। लेकिन आपको कुछ इन्वेस्ट करना है जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है तो कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाता है उसके बाद आपको धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट आपका कहाँ गया आपको पता भी नहीं लगेगा क्योंकि बड़ा नॉमिनल होता है चार से पांच हजार रुपए का खर्चा है आपको कैन देता है पशु देने के लिए आपको सरकार तैयार है आम, लेकिन आपको मेहनत आपको करनी है जाहिर तौर तो पे हम सभी अगर मेहनत करेंगे तो हर तरह का मुनाफा हमारे पास आएगा सर बहुत अच्छी जानकारी आपने मेहनत... दी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए तो दोस्तों आ... उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का कार्यक्रम आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद हो रहा होगा और जिस तरीके से सर ने एक एक बात का जिक्र किया कि किस तरीके से आप बहुत ही कम लागत के साथ डेयरी व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं आप उन तमाम बिंदुओं पर ध्यान दें फोकस करें तो आप काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं इस व्यवसाय से आज के हमारे इस कार्यक्रम के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे कार्यक्रम से जुड़े अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप हमें ज़रूर हमारे पत्र पर लिखें उसके लिए हमारा पता नोट करें हमारा पता है निदेशक डी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना फ्रेजर रोड पटना आठ शून्य 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 हमारा ई मेल है डायरेक्टर डी डी पटना और इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त नमस्कार